अम्मागणी टू ऑल माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ओनली 3 चीजों से 2 विंटर स्पेशल फेस मास्क बनाना सिखाऊंगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। यदि आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून कर्ड ऐड करेंगे। आप अपने फेस के हिसाब से क्वांटिटी कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। अब उसमें मैं हनी ऐड करूंगी 1/2 टेबलस्पून। इसकी भी क्वांटिटी आप कम और ज्यादा कर सकते हैं आपके फेस के अकॉर्डिंग। हनी आपके फेस को ब्राइटन अप करने में बहुत हेल्प करता है। हनी एक्ने और पिंपल से भी फाइट करता है और आपके फेस को बहुत क्लीन भी कर देता है। आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आप ये फेस पिक आपके फेस को ग्लो करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ आपके फेस का कॉम्प्लेक्शन भी इम्प्रूव करता है। ये बहुत ही बेनिफिशियल है। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसे आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई दिस पैक फॉर 15-20 मिनट्स। इसको अच्छे से ड्राई होने दें। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है। अब आप इसे वार्म वाटर से क्लीन कर लें। आप अच्छे से वार्म वाटर से फेस वॉश कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है वार्म वाटर से। अब रिजल्ट देख सकते हैं, इसने मेरी हैंड को बहुत ही ग्लोई और बहुत ही ब्राइटन अप कर दिया है। अब हम दूसरा फेस पैक बनाएंगे। ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके लिए हम एक बनाना लेंगे, 1/2 बनाना। इसके अंदर मैं 1/2 टेबलस्पून हनी ऐड करूंगी। आप सबको ही पता है हनी कितना बेनिफिशियल होता है, साथ ही साथ बनाना भी आपके फेस को ब्राइटन अप करने में हेल्प करता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड हाइड्रेट बनाता है। और ये फेस पैक आपके फेस को बहुत ही अच्छा वाला ग्लो देगा और ये विंटर्स में तो बहुत ही अच्छा है। बस आप ध्यान रखिए कि केला थोड़ा सा पका हुआ हो। अब मैं इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसमें किसी भी प्रकार के कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इसलिए इसे अच्छे से मिक्स करें। अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये फेस पैक बन चुका है। अब आप इसे अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई दिस फेस पैक फॉर 15-20 मिनट्स, जब तक ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए। इस फेस पैक को मसाज करते करते अप्लाई करें, जिससे ये और भी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा और एक स्क्रबर का भी काम करेगा। आप देख सकते हैं मैंने अप्लाई कर लिया है, अभी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब आप इसे नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से क्लीन हो चुका है और आप रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe.